हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल कुकिंग क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप सभी के लिए रुई की तरह सॉफ्ट दही बड़े की रेसिपी लेकर के आई हूँ। आप देख सकते हैं हमारे दही बड़े कितने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। चलते हैं, देखते हैं दही बड़े कैसे बनते हैं। दही बड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कटोरी उड़द दाल ली है, एक कटोरी मूंग की दाल ली है, जिसको मैंने अच्छे पानी से धुल करके साफ कर लिया है। और इसको मैंने रात भर दोनों दालों को पानी में भिगो करके रखा था। हम इसको पीसते हैं। हमने एक मिक्सी का जार लिया है, इसमें उड़द दाल को डाल देंगे और इसी में हम मूंग की दाल को भी डाल देंगे। हमने दोनों दालें इसी में डाल दी हैं। अब हम इसमें 1 इंच अदरक का टुकड़ा डालेंगे, 4 चम्मच के करीब पानी डालेंगे। हमें इसमें पानी ज़्यादा नहीं डालना है, हमने इसमें 4 चम्मच पानी डाल दिया। अब हम इसको एक अच्छा सा दरदरा पेस्ट बना लेते हैं पीस करके। हम दाल को देख सकते हैं खोल करके, हमने इसको अच्छा दरदरा पीस लिया है। आप देख सकते हैं हमारा दाल का पेस्ट अच्छा सा बना है, क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा पानी नहीं डाला था, हमें ऐसा ही चाहिए था जिससे हमारे दही बड़े अच्छे से बने। हमने एक बाउल ले लिया है, इसमें हम दाल को डाल देंगे। हमने दाल को एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें नमक डालेंगे, हमें नमक थोड़ा सा ही डालना है। और हम इसमें 1 चम्मच के करीब हींग को डालेंगे और हम इसे अच्छे से 5 से 7 मिनट तक फेंट लेंगे। हम दाल को जितना फेंटेंगे उतने ही अच्छे हमारे बड़े बनेंगे। अभी हम दाल को फेंटते जाएंगे और दाल हमारी हल्की होती जाएगी, इससे हमारे बड़े बहुत ही सॉफ्ट बनेंगे। अगर आप चाहें तो सिर्फ उड़द दाल के ही बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें थोड़ी सी मूंग दाल को भी ऐड किया है। दोनों की क्वांटिटी बराबर ली है और हमने दाल को 5 से 7 मिनट तक फेंट लिया है। हमारी दाल देखो बढ़ गई है और हल्की भी हो गई है, आप देख सकते हैं। हमें दही बड़े के लिए ऐसी परफेक्ट दाल चाहिए। हम इसमें हरी मिर्च और हरे धनिया को डाल देंगे। मैंने इसमें हरी मिर्च और हरे धनिया को डाल दिया है और हम इसको हरे धनिया और मिर्च को अच्छे से मिला देंगे। और अब हम इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख देते हैं, क्योंकि जितनी अच्छे से हमारी दाल फूलेगी उतनी अच्छे हमारे दही बड़े भी बनेंगे। मैं इसको ढक करके रख देती हूँ 10 मिनट के लिए। अब हमने एक बर्तन ले लिया है, इसमें हम पानी को डालेंगे। हमें पानी को ना ही गर्म और ना ही ज़्यादा ठंडा चाहिए, हमें पानी रूम टेम्परेचर पर चाहिए। और इसमें हम 1/2 चम्मच नमक को डाल देंगे और इसको हम अच्छे से मिला देंगे पानी में नमक को, क्योंकि हम बड़े इसी में डालेंगे इसलिए हमने इसमें नमक को डाल दिया है। हम अपनी दाल को चेक कर लेते हैं। दाल आप देख सकते हैं हमारी अच्छे से फूल गई है, क्योंकि हमने इसको 10 मिनट रेस्ट के लिए रख दिया था। अब हम बड़े बनाने चलते हैं। हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें बड़ों को डालेंगे एक एक करके। हम इसमें इस सावधानी पूर्वक एक एक करके सभी बड़ों को डालेंगे। अगर आप चाहें तो आप चम्मच की हेल्प से भी डाल सकते हैं, बड़े या छोटे जैसे आपको खाने हों। और मैंने इधर सरसों का तेल लिया है इसमें, क्योंकि सरसों के तेल में दही बड़े बहुत अच्छे बनते हैं, इसलिए मीडियम टू लो के ही बीच में रखना है, क्योंकि हमें बड़े बहुत अच्छे से सेकने हैं। और आप एक बार में जितने डाल पाएं उतने ही डालें। मैंने तो एक बार में काफ़ी डाल दिए हैं। हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे जिससे हमारे दही बड़े अच्छे से सिकें। हम इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक चम्मच की सहायता से इनको एक एक करके दूसरी साइड भी पलट देंगे, जिससे हमारी दूसरी तरफ भी सिक जाए अच्छे से। और आप देख ही सकते हैं कि हमने इसमें डाले हैं तभी हमारे बड़े अच्छे से फूल गए हैं। तभी हमें इसको पानी में डाल करके फिर इसको हमें दही में डालना है, तो ये कितने अच्छे से और फूलेंगे। मैंने सारे बड़ों को दूसरी साइड पलट दिया है। हमें इनको थोड़ा सा और कूलन ब्राउन करना है। अब हम इनको अच्छे से निकाल लेंगे।
सारे दही वड़ों को, और हमने इनको निकाल लिया है। अब हमें इन्हें प्लेट में नहीं रखना है, हम इनको डायरेक्ट ही पानी में डालेंगे। हम इनको पानी में डाल देंगे डायरेक्ट, पानी को अपने अंदर सोख लें ये बड़े, तब तक हम और बनाते हैं। हम फिर से वैसे ही बड़ों को डालेंगे। मैंने सारे दही बड़े डाल दिए हैं, हम इनको भी उसी तरह फ्राई कर लेंगे। हम इनको भी निकाल लेते हैं और गैस को बंद कर देते हैं। हमारी ये भी दही बड़े अच्छे से फ्राई हो चुके हैं, हमने इनको भी निकाल लिया है, ये भी हमारे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। हम इनको भी पानी में डाल देंगे, हम इनको भी पानी में डाल देते हैं। आप देख सकते हैं कि जो हमारे पहले के थे ना दही बड़े, उन्होंने पानी सोख लिया है। हम इनको पानी से निकाल करके प्लेट में रख लेते हैं। हमें इनको बहुत ही सावधानी पूर्वक ऐसे बिल्कुल हल्का दबाना है, नहीं तो ये हमारे बीच से फट सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट बने। और ये देखो, आप देख सकते हैं डबल क्वांटिटी में हो गए हैं। इस प्रकार हम सभी दही वड़ों को ऐसे निचोड़ निचोड़ करके निकाल लेंगे। हमें इनको ज़्यादा नहीं निचोड़ना है, नहीं तो ये हमारे फट जाएंगे। हमने बहुत ही छोटे छोटे से बनाए थे और ये फूल करके डबल क्वांटिटी में हो गए हैं। और आप देख सकते हैं हमने सारे दही वड़ों को निचोड़ करके एक प्लेट में रख लिया है। हमारे दही वड़े कितने सॉफ्ट और कितने सुंदर बन के तैयार हुए हैं। हमने एक बाउल में दही को ले लिया है, जिसको हमने मिक्सर से अच्छे से फेंट लिया है। आप देख सकते हैं इसमें चीनी को डाल देते हैं और नमक को। तो मैंने यहाँ पर एक चम्मच चीनी को डाल दिया है, थोड़ा सा नमक, क्योंकि हमारे दही वड़ों में भी नमक डाला है, इसलिए हमने इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर दिया है, नमक को और दही को। हम इसमें एक एक करके दही बड़े को डालेंगे, जितने हमारे आ सकते हैं एक बार में हम उतने ही डालेंगे। हमारे कितने अच्छे दही बड़े एकदम रुई के जैसे बन करके तैयार हुए हैं। हम इनको दही के साथ में अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमने दही बड़ों को दूसरे बर्तन में इसलिए चेंज कर लिया है क्योंकि हमारे बड़े उसमें बन नहीं रहे थे, और अब हम इसको 10 मिनट के लिए रख देंगे, जिससे हमारे बड़े दही को अच्छे से सोख लें। फिर हम 10 मिनट के बाद इसकी प्लेटिंग करेंगे। दस मिनट बाद हम चेक करते हैं, हमारे बड़ों ने अच्छे से दही को सोख कर लिया है। हम इसकी प्लेटिंग करते हैं। मैंने यहाँ पे दो बाउल लिए हैं, हम इनके ऊपर से दही डालेंगे। दूसरी भी कटोरी में इसको डालेंगे। हम इसमें भी दही डालेंगे। हम इसके ऊपर थोड़ा सा भुना हुआ जीरा डालेंगे। हमने इसके ऊपर भुना हुआ जीरा डाल दिया, हल्का सा लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे दोनों में, बिल्कुल हल्का सा नमक डालेंगे। हम इसमें हरी चटनी डालेंगे। इसमें हरी चटनी को डाल दिया है। हम इसमें खट्टी मीठी इमली की चटनी को डालेंगे। जिससे ये दही बड़े खाने में और भी ज़्यादा टेस्टी लगेंगे। हम इनके ऊपर थोड़ा सा और भुना हुआ जीरा डाल देंगे। हम हरे धनिए को भी डाल देंगे इनके ऊपर, बिल्कुल हल्का हल्का सा।
और हमारे दही बड़े बनकर के तैयार हो गए हैं। मैंने इनको बहुत ही सिंपल तरीके से सर्व किया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आलू भुजिया या अनार के दाने भी डाल सकते हैं, जैसा आपको खाना हो। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि मैं आप सभी के लिए अच्छे से अच्छी वीडियो लेकर आती रहूँ।